हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में वायरसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी, और साथ ही साथ हम लोगों ने जिक्र किया था कोविड-19 के बारे में और जो सार्स कोविड-2 वायरस के बारे में, और साथ ही साथ कुछ और वायरस जो कि पहले जिनका आउटब्रेक हो चुका है, जैसे कि सार्स और मर्स के बारे में। तो दोस्तों, उसके साथ ही साथ मैंने आपको बोला बताया था कि इसका मॉर्टेलिटी रेट कितना है, साथ ही साथ लाइक ये पहले किस कंट्री में इसका आउटब्रेक हुआ था। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कोरोना वायरस कैसे स्प्रेड होता है। जैसे कि आपने ऑलरेडी टीवी न्यूज़ चैनल में देख रखा होगा कि इसका जो स्प्रेड है वो कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफ लाइक इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये कैसे स्प्रेड होता है, और ये कौन कौन सी जो सरफेसेस है, चाहे जैसे कॉपर हो या एयर हो या प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील, तो इन सरफेसेस पे कितना टाइम तक एक्टिव रहता है। तो दोस्तों, चलिए अपना बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सार्स है, सार्स कोविड-2 और कोविड-19 में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं, जो सार्स को कोविड-2 है, ये क्या है? ये एक्चुअली एक वायरस है, और इसका टू मतलब ये सेकेंड वर्जन है। और साथ ही साथ जो ये कोविड-19 ये डिजीज़ है, यानी कि जो सार्स कोविड कोव टू जो वायरस है वो कोविड-19 डिजीज़ कॉज करता है। तो सबसे पहले आप इसका डिफरेंस देख लीजिए कि सार्स कोव टू अगर नाम आए तो वो मतलब एक वायरस है, और जो कोविड-19 है वो एक डिजीज़ है। तो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कि जो सार्स कोविड टू जो वायरस है वो कैसे कोविड-19 डिजीज़ को स्प्रेड करता है। तो सब जो पहला पॉइंट है वो क्या है, सार्स कोविड टू ट्रांसमिटेड फॉर एनिमल्स टू पीपल। सो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो ये सार्स कोविड टू जो वायरस है, ये सबसे पहले जो है वो एनिमल में ट्रांसमिट हुआ था, लेकिन इसके अंदर कोई भी पहले कोई म्यूटेशन था कुछ नहीं था, इसीलिए क्या करता था, ये सिर्फ एनिमल को ही इन्फेक्ट करता था। लेकिन जैसे ही फेवरेबल एनवायरनमेंट की वजह से क्या हुआ, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो म्यूटेट हुआ, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब ये ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो रहा है। अब जो इसका सबसे पहले जो इसे आइसोलेट किया गया था वो वुहान में इसका आउटब्रेक हुआ था, तो वुहान में ही क्या हुआ था, सबसे पहले इसे आइसोलेट किया गया था। अब वो जो पर्सन था जिससे लिया गया, वो न्यूमोनिया से लाइक इन्फेक्टेड था, मतलब उसके अंदर न्यूमोनिया डिजीज थी। तो उसी सैंपल से इन्होंने देखा था कि जो ये जो वायरस है वो नोबल वायरस है, और सबसे पहले उन्होंने इसलिए वुहान चाइना के जो पेशेंट है उससे इसे आइसोलेट किया था। अब द नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन अकर्स वाया एरोसोल ट्रांसमिशन, कफिंग एंड स्नीजिंग। तो जैसे कि अगर कोई पर्सन वो इन्फेक्टेड है, तो अगर वो खांस रहा है या छींक रहा है, तो उसके थ्रू भी क्या होता है, ये जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। अब जब पीपुल कैन कैच कोविड-19 फ्रॉम अदर्स हु हैव द वायरस, यानी कि अगर कोई पर्सन जो इन्फेक्टेड है, जिसके अंदर ऑलरेडी वायरस है, वही क्या करेगा, जो डिजीज़ है इसे लाइक ट्रांसमिट करेगा। अब सपोज जो इन्फेक्टेड पर्सन, इसके अंदर ऑलरेडी वायरस है, तो वो क्या करेगा, अगर वो खांसेगा या छींकेगा, तो जो ड्रॉपलेट्स होंगी जो उसके नाक या मुंह से निकलेंगी, वो अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है या दूसरे पर्सन के ऊपर जाती है, चाहे उसके नाक पे हो या कोई पर्सन उसे टच करता हो, और उसके बाद वो उसी सरफेस को अपने हाथों से टच करता है, फिर टच करने के बाद अगर वो अपनी आँख पे या नाक पे या मुंह पे लगाता है, तो जो क्या होता है, जो ये वायरस है वो दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। अब अदर पीपल देन कैच कोविड-19 बाय टचिंग दिस ऑब्जेक्ट और सरफेस। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है छींकता है, तो क्या होता है, अगर सपोज वो किसी सरफेस पे वायरस पड़ा हुआ है, तो अगर उसी सरफेस को कोई हेल्दी पर्सन टच करता है, उसके बाद अगर अपनी आँख नाक या मुंह को टच करता है, तो ये जो वायरस है वो इजीली ट्रांसमिट हो जाता है इन हेल्दी पर्सन में भी। और लास्ट पॉइंट वो क्या है, पीपल कैन आल्सो कैच कोविड-19 इफ़ दे ब्रीथ इन ड्रॉपलेट्स फ्रॉम अ पर्सन विथ कोविड-19 हु कफ्स आउट और एक्सहेल्स ड्रॉपलेट्स। डेट इज़ वाई इट इम्पॉर्टेंट टू स्टे मोर देन 1 मीटर 3 फीट अवे फ्रॉम अ पर्सन हु इज सिक। तो दोस्तों, जैसा भी अगर आप कहीं देखें कि कोई पर्सन इन्फेक्टेड या कोई सिक है, जैसे उसे खांसी या जुकाम है, तो क्या करें, आप उससे 1 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, क्योंकि क्या है, ये जो वायरस है वो जब भी कोई छींकता है या खांसता है तो वो 1 मीटर तक ही जा सकता है, उसके बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। तो अगर आप 1 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो आप इससे बच सकते हैं, और आपको इसका कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिफरेंट सर्फेसेस पे कि ये कितनी कौन कौन सर्फेस पे कितना देर तक जिंदा रहता है। तो अगर हम बात करें एयर पे, सपोज किसी पर्सन ने छींका, तो क्या हुआ, उसका 1 मीटर
कि डिस्टेंस में वो कितने देर तक एयर में सर्वाइव कर सकता है। तो एयर में नॉर्मली जो ये वायरस है वो 3 आवर्स तक ही सर्वाइव कर सकता है। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही ये धीरे धीरे क्या होता है, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही एयर के में 3 आवर्स तक रह सकता है, तो वैसे ही क्या होता है ये, क्योंकि बहुत ही लाइटर है, तो इसकी वजह से क्या होता है थोड़ा टाइम लेता है नीचे सेटल होने में। तो नॉर्मली जो एयर में क्या होता है ये 3 आवर्स तक सर्वाइव कर सकता है, और धीरे धीरे क्या होता है ये सर्फेसिस पे सेटल होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब अगर अगर बात करें कॉपर सर्फेस पे, यानी कोई ऐसा मेटल है जो मटेरियल है जो कॉपर से बना हुआ है, तो वहाँ पे जो जो वायरस है वो 4 आवर तक सर जिंदा रह सकता है। और वहीं अगर बात करें हम कार्डबोर्ड की, तो ये कार्डबोर्ड पर किसी ने सपोज स्नीज किया, या कार्डबोर्ड पे या किसी ने टच करके, मतलब कि अपना जो स्कूटर में उस टच करके कार्डबोर्ड पे टच कर दिया, तो वहाँ पे क्या होता है ये 24 आवर तक जिंदा रह सकता है। अब अगर हम बात करें प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील की, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। और अगर हम बात करें दूसरे सर्फेसेस की, जो कि ग्लास या मेटल की बनी हुई हो, तो उस पर ये 9 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो इन्फेक्शन है, डिफरेंट एज ग्रुप है, जैसे कि अगर हम बात करें तो 1 से 11 मंथ, यानी कि अगर जो न्यू बेबी बॉर्न है जो 1 से 11 मंथ के बीच हैं, तो उनमें क्या होता है जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत ही कम है। क्योंकि उनमें क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं, मेनली क्या होता है ये जो वायरस है वो ACE2 करके रिसेप्टर होता है, तो उसके थ्रू क्या होता है लंग्स के अंदर एंटर करता है। तो और ये मोस्टली क्या होता है लंग में इन्फेक्शन स्प्रेड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारे फेफड़े वो सही से काम नहीं कर पाते। तो जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं जो 1 to 11 मंथ के होते हैं, उनमें क्या होता है कि ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ACE2 करके, तो रिसेप्टर होता है वो फुल्ली डेवलप नहीं होते, यानी कि वो प्रोसेस में होते हैं। इसीलिए क्या होता है जो ये वायरस है वो 1 to 11 मंथ के जो बेबी है उनमें इन्फेक्ट नहीं कर उन्हें उनमें जो है इन्फेक्शन नहीं क्रिएट कर सकता है। अब वहीं बात करें हम जो एडल्ट हैं, जैसे कि हम लोग बात करें अगर 10 to 14 ईयर्स के जो एडल्ट हैं, उनमें क्या होता है कि ये इन्फेक्ट तो करेगा, लेकिन क्या होता है उनका इम्यून सिस्टम जो है तो थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि जो यंग होता है इसलिए क्या होता है ये वायरस जो है उनसे लड़ाई कर सकता है। वहीं अगर बात करें जो हम जो 40 से 50 से सपोज 70 ईयर और 80 ईयर्स के लोग जो होते हैं, उनमें क्या होता है धीरे धीरे जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, होने लगता है। तो क्या होता है कि ये वायरस जो है उनमें ईजिली इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो अगर कि कोई पर्सन है सपोज उसे कोई डिजीज, जैसे कि चाहे वो डायबिटीज हो जाए, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो या लंग प्रॉब्लम हो, तो उनमें क्या होता है ये वायरस जो है बहुत ही सीवियर सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है, और साथ ही साथ उनको क्या होता रहता है उनकी डेथ भी हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि जो वायरस है, नॉर्मली क्या होता है कि ये जो वायरस है ये म्यूटेट करके इसने 2 टाइप की स्ट्रेन्स इसने इसके मतलब कि ये 2 टाइप्स की स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया है। तो एक स्ट्रेन क्या है वो एल टाइप स्ट्रेन है, और एक क्या है वो एस टाइप स्ट्रेन है। तो जो एल टाइप स्ट्रेन है ये टोटली न्यू है, मतलब न्यू स्ट्रेन है, और ये ज़्यादा एग्रेसिव है एज़ कम्पेयर टू एस स्ट्रेन। अब जब भी कोई पर्सन है अगर वो सिम्टम बहुत ही माइल्ड सिम्टम शो कर रहा है, मतलब कि बहुत हल्का जुकाम है, खांसी या बहुत लाइट है, तो क्या होता है तो उस पर हम लोग देखते हैं कि जो वायरस का स्ट्रेन वो एस टाइप है, क्योंकि वो माइल्ड सिम्टम शो कर रहा है। वहीं अगर बात करें तो दूसरे स्ट्रेन की जो एल टाइप का है, वो स्ट्रेन बिल्कुल ही नया है और ये ज़्यादा एग्रेसिव है, और कोई पर्सन अगर वो सीवियर सिम्टम शो कर रहा है, जैसे कि उसे खांसी जुकाम बुखार, इवन उसे सांस लेने में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब कि जो वायरस का जो स्ट्रेन है वो एल टाइप का है। तो अगर उसे एल टाइप स्ट्रेन है तभी जाके उसे जो सीवियर सिम्टम्स या क्रिटिकल सिम्टम जो है वो डेवलप होंगी। अगर वो एस टाइप का स्ट्रेन से इन्फेक्ट है तो उसके अंदर जो सिम्टम वो माइल्ड सिम्टम होगी, और वो इजीली रिकवर कर सकता है। तो मोस्टली क्या होता है जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें क्या होता है बहुत ही सीवियर सिम्टम्स आती हैं, तो उनमें मोस्टली क्या होता है जो एल टाइप का जो स्ट्रेन है वायरस का वो इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो सिम्टम्स होती है बहुत सीवियर होती हैं और क्रिटिकल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपने आप को इजीली रिकवर नहीं कर पाते, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग भी नहीं है जिससे वो इस वायरस के अगेंस्ट जो लड़ पाए। तो दोस्तों इसमें क्या है जो वैक्सीन जो बन रही है वो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस में, बहुत से ट्रायल्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ट्रायल स्टिल गोइंग ऑन। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि ये जो वायरस है ये बहुत ही जल्दी म्यूटेट कर जाता है। अगर ये वायरस जो है अगर ये म्यूटेट करके कोई और स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, तो जितना भी हम लोग एफर्ट कर रहे हैं वैक्सीन डेवलपमेंट में वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यही कि वायरस जो होता है वो बहुत ही इजिली म्यूटेट कर देता है, वो नई नई स्ट्रेन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो वैक्सीन डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो ये तो कुछ मेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, और
जो कि वायरस लाइक इस वायरस को स्प्रेड करते हैं या कैसे स्प्रेड करते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेन है जो कि ज़्यादा खतरनाक है। तो ये सारे ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए कि ऐसे वायरस स्प्रेड होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।